इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस के नाम पे कुछ नहीं देते कि बच्चों को कम से कम मोटिवेट तो करें बच्चे को कि बच्चा आगे बढ़ना चाहता है। हाँ पढ़ाई नहीं कर रहा है वो सब चालू होता है और उसके बाद भी तुम इतने ढीठ हो कि तो पढ़ाई चालू नहीं करते। कभी होता निहाल भाई कि आपकी मम्मी को अच्छा खाना बनाती है? कभी 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 कभी। बहुत बढ़िया, बहुत ऑनेस्ट जा रहे हो, बस दो दिन खाना नहीं मिलेगा अब इस बात पे। यू आर वेरी राइट ट्रैक। कभी भी सामने कभी भी कोई पूछे कि खाना मम्मी कह रही बेस्ट बनाती है, कभी कभार तो मैं उंगलियां खा लेता हूँ आस पड़ोस वालों की भी ऐसा। जिंदगी में याद रखना मम्मी को हमेशा खुश रखने का, ठीक है? क्योंकि दुखी रखने के लिए पापा ऑलरेडी हैं। जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मोमेंट आएंगे, तो मैं बता रहा हूँ अभी फ्यूचर प्लानिंग बता रहा हूँ तुम्हारे को, तुम्हारे साथ ऐसे होंगे कि पापा शेव कर रहे होंगे ऐसे, ठीक है, और मम्मी कुछ ना कुछ बोल रही होगी, तुम्हें कहा था मैंने ये करने के लिए, बिल जमा करने के लिए, करने के लिए। तुम्हें अंदर से फीलिंग आएगी, एक बात अंदर से फीलिंग आएगी कि कितने खराब आदमी है यार, कितने खराब आदमी है, मम्मी की बात नहीं सुनते। पर जब तुम पे यह बात आएगी तुम्हें पता लगेगा कि नहीं पापा सही थे, पापा सही कर रहे थे कि इग्नोर कर रहे थे, वो सही कर रहे थे। मेरी मम्मी तो ऐसी थी कि मैं मम्मी को बोला मैगी खानी है, एक दिन हमारी मतलब मेड नहीं आई थी, हमने बोला खाना मम्मी मैगी खानी है, कह रही नहीं बनानी, मेरे को पता है कि फिर हमें करना पूरा वो क्या कहते हैं जमीन पे लेट के हम लोटे लग गए। हमने कहा मैगी मैगी, मम्मी दूसरे रूम में चली गई, फिर मैं वहां जाके मैंने कहा मैगी मैगी, धरना देके जमीन पे लौट गया मैं, भाई साहब तीसरे कमरे में चली गई, मैं वहां लौट गया, आप देख रहे हो उस औरत ने पूरा रूम साफ करवा लिया मुझे लौट लौट के। हेलो थैंक्स फॉर द एडवाइस। अरे अनिल जी आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं अभी? नहीं ये तो सही पकड़ा आपने सर, तो ठीक है आप तो फिर ठंडी रहते हो कम से कम, मैडम गुस्सा करती रहे कोई दिक्कत नहीं। ये होता है प्रोफेशन, अमित जी सीखो कुछ। वो अमित की सिस्टर है। अच्छा आप सिस्टर हैं? ओ यस यस, कोई बात नहीं, अमित जी बहुत अच्छे इंसान है। राखी जी आप मानोगे लास्ट वाले शो में आए थे, इन्होंने 5-5 के नोट लुटाए थे मेरे ऊपर यहाँ पे ऐसे। प्लीज प्लीज रक्षाबंधन इज कमिंग, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग आप अच्छा कर रहे हैं। बाकी मैं कहता हूँ जिंदगी में बच्चे को सिर्फ ये सिखाइए कि क्या सही करना है क्या गलत है, बाकी तो फिर आप पूरी जिंदगी उसका साथ नहीं सकते, समझ रहे? बाकी समझदार वो है जो से मतलब की बात ही सुन के निकल लिया हो। जिंदगी में नहीं जी देते हैं निशिल जी, ये अच्छा पति बनेगा आपसे मैं लिख के दे रहा हूं आपको मैं आज। आपको पता है ना सर नील जी, हमेशा कहता ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यहाँ पे लड़कियों का नाम नहीं देते, ये परफेक्ट आती हैं। अब आप इनसे बात करो, बोलो कि आप बोलो कि मुझे बस इस जन्म की जरा साची है, अगले जन्म में कोई और लड़की देखूंगा तो ये चिढ़ जाती हैं, बोलेगी हेलो मैंने तुम्हें इस जन्म में ट्रेन किया है तो 6 जन्म में मैं ROI कमाऊंगी। इन्हें कोई प्यार व्यार नहीं है आपसे, बस ये कि आप ट्रेन हो चुके हो। रितेश भाई ब्रेकअप हुआ कभी आपका? नहीं सर, मौका नहीं मिला ऐसा। बहुत बढ़िया। पर तुम मौके में तो हो। कोई बात नहीं रितेश, भगवान करे किसी लड़की किस्मत खराब हो और तुम्हें हाँ बोले वो। तुम्हारा साथ वाला बंदा तुम्हारा साथ में बैठ के भी गायब हो जा रहा है। साथ वाला तुम्हारा सगा नहीं हो पाया, वो क्या साथ में साथ देगी तुम्हारा? अरे तुम्हारा साथ वाला बाद में क्या मिस्टर इंडिया बनने जा रहा है बार बार? रितेश इतना क्या बैकग्राउंड खराब, बैकग्राउंड दिखाना जरा पीछे क्या इतना गंदा है कि तुमने छुपा रखा है? पीछे अंडरवेयर सूख रहे हैं क्या? भाई तुमने क्या एक ही करके आओगे, तुम एक दिखता फिर एक नहीं दिखता। अरे
टेक्नोलॉजी का एक्सप्लॉयटेशन है ये। वीडियो में आपको आ रहा है मजा तो मेरी एक बात सुन लीजिए। जैसे मैंने अपने स्टैंड अप के वीडियोस के अंदर बहुत सारी इंडियन मैच मेकिंग की हुई है जो कि मैं कंटिन्यू भी रखूंगा। मीनवाइल आप भी किसी के एक मैच बन सकते हैं एक ब्लड स्टेम सेल डोनर बनके, क्योंकि इंडिया में हर 5 मिनट में किसी को ब्लड कैंसर या ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फ्रॉम अ मैचिंग डोनर ही उनके सर्वाइवल की एक आखिरी होप होता है, बट देयर आरंट इनफ डोनर्स रजिस्टर्ड, क्योंकि इंडिया में ये टैबू है और लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर आप और हम ही चेंज ला सकते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि हम यहाँ आगे आएं और अपने आप को रजिस्टर करें DKMSBMST की वेबसाइट पर। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आप ये घर बैठे भी कर सकते हैं। आपको जाना है DKMSBMST की वेबसाइट पर और वहां पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। वो आपको एक स्वैप किट भेजेंगे और आपको अपने चीक स्वैप सैंपल लेकर उनको वो किट वापस भेज देनी है। अगर आपका किसी पेशेंट से मैच हुआ तभी आपको डोनेट करना है। आप किसी की जिंदगी में चेंज ला सकते हैं, आपके कुछ सेकंड किसी को पूरी जिंदगी दे सकते हैं। यू कैन ट्रूली मेक अ डिफरेंस इन समबडीज लाइफ एंड हिज फैमिली। इट इज वेरी रेयर टू फाइंड अ मैच, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप आगे आएं और अपने आप को रजिस्टर करें DKMSBMST की वेबसाइट पर। मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया है, तो प्लीज रजिस्टर योर सेल्फ एंड वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आप बॉर्न ब्रॉड अप कहां से करेंगे आपका? पीतमपुरा दिल्ली। अरे रोहिणी से? नहीं मैं रोहिणी नहीं रहती, मैं पीतमपुरा रहती हूं, रोहिणी अलग है। चलो कोई बात नहीं, पीतमपुरा में क्या सीन है? पीतमपुरा में जाते हो वापस अब? हाँ। बिट्टू टिक्की वाले पे? नहीं आए, नहीं बिट्टू टिक्की नहीं। अब बिट्टू टिक्की ना आई? सो विच टिक्की? हाँ मुझे पसंद या नहीं पता? नहीं पसंद, इट्स ओके। नहीं पसंद कच्ची, कच्ची ठीक है, ठीक है। आप तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बहुत प्यार लग रहे हो। मैक जी क्या कर रहे हो, थोड़ा बताएंगे अपने बारे में प्लीज? आप नीचे आए हैं। मैं कम्युनिकेशन डिजाइनर हूँ अभी, लाइक आई एम इन सेकंड ईयर। बट क्या रहता है इस कोर्स के अंदर, जॉब लगती है या खुद ही कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है, मांगनी पड़ती है जॉब? नहीं नहीं, मतलब ग्राफिक डिजाइनर जैसा होता है इसमें बेसिकली, मतलब आप जॉब कर सकते हैं। हाँ जॉब कर सकते हैं, खुद का भी, लाइक वी कैन ओपन अ स्टूडियो। नहीं ओपन तो कुछ भी कर सकते हो, बट चलना भी तो चाहिए ना। ओपन तो मैं भी कर लूं, मैं भी बिजू टिक्की वाला ओपन कर लूं, बट बिजू टिक्की वाला चलेगा तो नहीं ना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बिजू टिक्की को लाइक ही नहीं करते। स्पिरिचुअल सुपरस्टार्स, ये बहुत ही प्यारा नाम है मैम, और ये मतलब नेम के बारे में थोड़ा अगर बताना चाहते हो, अगर आप थोड़ा सा प्लीज। एक्चुअली ये मेरा YouTube चैनल का नाम है। मैं कोशिश कर रही थी नेम करने की, बट आई थिंक एडमिन ने बंद किया हुआ, आई कुडंट रीनेम। मेरा नेम सुमेधा है। ऐ सुमेधा, सुमेधा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। सो आई एम अ टीचर, आई टीच परफॉर्मिंग आर्ट। Okay, वैसे तो मैं विजुअल आर्ट्स, ड्रामा, म्यूजिक, डांस, ये सब। माय गॉड, और इसके अलावा जब खाली टाइम बचता है इतने सारे कोर्स करने के बाद तो क्या करते हैं आप? तो मैं वीडियोस बनाती हूं अपने चैनल के लिए। और किस तरह के वीडियोस बनाते हैं आप, अगर बताना चाहते हो तो? जस्ट जिसमें कोई मॉरल हो, जिसमें कोई वैल्यू एडिशन हो लोगों की, जस्ट टू हेल्प, एंड कमर्शियली नहीं है, जस्ट It's an inspiration that ki koi commercial to dekho, commercial to sirf bittu tikki wala hai, theek hai? Bacche pad lete hain aapse? Haan ji, clown ban ke aana padta hai, kabhi kuch karna padta hai bachcho ko entertain karne ke liye. It's like hame bhi itni sari cheeze karni padti hai ghar pe, to main family, are aap aa rahi hai, आप इतना बच्चों को एंटरटेन कर रहे हो, सिर्फ एक बार कभी भी आपको मौका मिले बिट्टू टिक्की वाले पे टिक्की लेके खिलाइए बच्चों को। और नहीं चलो ठीक, बिट्टू टिक्की वाला, 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 बिट्टू 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 टिक्की टिक्की वाला, बिट्टू टिक्की 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 वाला, ठीक है। आपकी मैंने लास्ट 1 वीक में वीडियो देखी, उसके बाद मैंने सोचा यार ऑनलाइन जाने का चांस मिलेगा, जूम पे बुक कर दे। ऑनलाइन जाने का चांस नहीं मिलेगा? सॉरी गलत बोल गया, ऑफलाइन।
कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं, अक्सर गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं आयुष, कोई बात नहीं, आप बहुत ही प्यारे इंसान है। और जो आपका दीवार में बैग टांगा हुआ है, मैंने कभी नहीं देखा किसी का बैग टांगा हुआ दीवार पे। कंपनी का बैग है वो। तो क्या हो गया, तो उसने लिखा है दीवार पे टांगो। नहीं, जूम कॉल होती है ना, वो दिखता रहता है। मुझे तो बता, जूम जो होती है ना कॉल होती है रागनी, जो होती है ना कॉन कॉल होती है फोन वाली, मुझे भाई साहब बहुत भी लगती है। इसमें क्या होता है, जो बेचारा एक होता है मेन स्पीकर, जिसको कंपनी ने जिम्मा दिया होता है कि भाई तुम इन सबको ब्रीफ करोगे, और अब जितने जो बाकी लोग होते हैं ना, उनके सिर्फ एक काम होता है, वो म्यूट करके घर में झाड़ू मार रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो बेचारा लगा हुआ है, वो लगा हुआ है कि इज इट क्लियर टू यू, क्या कहना है, जस्ट प्रोसीड। भाई ये इतने, इसलिए इतने घटिया लोग होते हैं ना, इन्हीं को, इन्हीं के लिए फोन में म्यूट का बटन बनाया है, म्यूट का बटन इनके लिए बनाया गया है। मैंने तो ऐसे बंदे देखे आयुष भाई, मैंने देखा बंदा यहाँ पे, बंदा वो मीटिंग, अब क्योंकि उसका मैनेजर बैठा हुआ ऊपर कि तुम्हें डिस्क पूरा ब्रीफ करना है, वो बेचारा लगा हुआ है, या यू आर ऑन कॉल, या आर यू लिसनिंग टू मी, आर यू, आर यू, ये बंदा यहाँ पर अभी बाथरूम में घुसा नहाने के लिए, स्पीकर पे चला गया। राइट राइट, फिर वो नहा के बाहर आया और उसमें सर फोन बोला या, और छोड़ दिया सब। वो ब्रेड पे बटर लग रही है, ब्रेड पे रागनी, ब्रेड पे बटर लग रही है, वो लगा हुआ है। As anything, anyone to have, ask any questions, you can mail me. उस बंदे का 7-8 मिनट के बाद वो बंदा बोला जा रहा, कह रहा राकेश आर यू ऑन कॉल, राकेश आर यू लिसनिंग टू मी, राकेश 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 अभी ब्रेड पे टोस्ट लगा रहा, कह रहा बाद नहीं बोलूंगा मैं। रागनी 15 मिनट की कॉन कॉल में 10 मिनट के बाद जो तुम्हारा मेन स्पीकर होता है ना, उसका कॉन्फिडेंस इतना लूज हो जाता है कि खुद बोलता है एम आई ऑडिबल। अनीशा जी कहां से देख रहे हैं आप? सर मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से देख रही हूं, बट आई एम ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान। यू आर फ्रॉम पाकिस्तान? या, कश्मीर पाकिस्तान। कश्मीर पाकिस्तान में भी कश्मीर है? कोई बात नहीं, बट अलीशा जी डोंट वरी, ये शो हम आपस में रह के बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप पर्सनली मत लीजिएगा कुछ भी, क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ नहीं, I haven't been there in 10 years. अच्छा, पाकिस्तान में नहीं है अब? नहीं। तो अब कहाँ रह रहे हैं आप? मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, तो कंगारू की गोद में? थैंक यू, आप एंजॉय कीजिए शो आराम से, कुछ चीजें आपसे बहुत ज्यादा रिलेटेबल होंगी। बस मैं मतलब इन जनरल जानना चाहता था कि कैसे, किस तरह की, क्योंकि मेरी ज्यादा कभी लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं हुई वहाँ पे, तो एक होता ना कि जनरली टू नो द कल्चर, हर जगह के बारे में मैं जब जानता हूँ तो मुझे एक नॉलेज मेरी बढ़ती है, तो इसलिए मैंने पूछा, अदरवाइज कोई पर्सनली मेरा कोई वो नहीं था, बट ठीक है, गुड टू सी यू। बट स्टार्ट करते हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में भी कश्मीर है, सो दैट्स गुड। नहीं है वहाँ पे? हाँ, दो कश्मीर है, what's wrong with you? तो फिर हमारा वाला क्यों मांग रहे हो आप? बीच में बॉर्डर है। चलिए अरिशा जी, ये डिबेटेबल है, लेकिन पता है ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे बहुत ज्यादा इंडियन फ्रेंड्स हैं, और मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। जस्ट वांटेड टू गिव अ कॉम्प्लीमेंट कि मैं एक्चुअली डिजाइनिंग करती हूँ, तो यूजुअली मेरा काम का शिफ्ट लाइक रात में बहुत होता है, तो वैसे मैं काम करती हूँ, तो यूजुअली नेटफ्लिक्स वो भी मैं देखती हूँ, पर रात को अगर कोई भी अगर यूट्यूब में देखते हो तो आई थिंक आई हैव सीन योर वीडियोस बैक टू बैक पूरा। एक सेकंड, नीचे सुधांशु ने मैसेज किया कि अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हो तो पासवर्ड दे दोगे? तो आई थिंक आई हैव सीन बैक टू बैक वीडियोस आपका, एक दिन में शायद मैं पूरा देख लिया ऐसे। हाँ, कि आई थिंक आपका जोक्स एंड आल्सो द क्राउड वर्क जो आप करते हो वो बहुत अच्छा है। तो आपने, आप, मैं बस जानना चाहता हूँ इसे पर्सनली कि आप सोचते बहुत है क्या? हाँ, क्योंकि आप हर लाइन में बोल रहे हो आई थिंक। हाँ, तो बस मैं ये बोल रही थी कि मतलब एक आपका क्राउड वर्क, और दूसरा अगर तो मुझे बेहतर लगता है, बेहतर नहीं मतलब अगर कोई अच्छा लगता है तो वो एंड्रयू शोल्स है। हाँ, इंडिया का मैं एंड्रयू शोल्स बनने की कोशिश कर रहा था, बट आई रियलाइज कि मैं बहुत सात्विक हूँ, मतलब एक्चुअली इंडिया में ना आप पंच डाउन अगर एक लेवल भी नीचे कर दोगे ना तो लोग फिर उसको ऑफेंड ले लेते हैं।
तो पांच आप करना हम तो मुझे बहुत ज्यादा लाइन पे रखना। अरिशा अरिशा हमारे बीच में नहीं रही। अरिशा एकदम से गिर गई, गाड़ी गई, गाड़ी गई। वो हिल स्टेशन में खड़ी थी, वो पानी में डूब गई, डूब गई। भाई बात नहीं, चलो अरिशा आ गई। ओ एक मिनट, फ्रीज हो, फ्रीज फ्रीज। हाय सॉरी मैं जिंदा हूँ, आई एम अलाइव। पता है क्या हुआ, मैं ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं इस टाइम पे मैंने क्या किया हुआ है। मैं ड्राइवर सीट पे हूँ और मैंने मेरा लैपटॉप स्टीयरिंग व्हील के ऊपर रखा हुआ है, तो वो स्लिप हो गया, वो गिर गया पीछे। अरे मैं बताऊं, दिल से बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ। कितनी मेहनत कर रहा है कोई आपका शो देखने के लिए। अरिशा मैं बताऊं, अरिशा 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 तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है अगर तुम ना मांगो तो। ना मांगो तो ये बेस्ट है, बट यार बहुत स्वीट हो। एंड मैं सच बता रहा हूँ, मतलब आप जितने इनोसेंट हो, मतलब भगवान करे आपकी इनोसेंस ये बरकरार रहे। मैं आपको 2019 से फॉलो कर रहा हूँ YouTube के थ्रू। क्यों मतलब मैंने आपके सारे शो में, तभी 20 खराब हुआ मेरा। लेकिन मेरा अच्छा हुआ, मेरा अच्छा हुआ। अरे नहीं मजाक कर रहा हूँ। हाँ प्लीज प्लीज बताइए बताइए भाई। नहीं लेकिन मैं एक आर्ट गैलरी में काम करता हूँ और सुबह शाम वही भगदड़ काम करना और वो सब में लग जाते हैं। लेकिन जब भी मैं मेट्रो से वापस घर की तरफ जा रहा होता हूँ, घर ऑफिस जा रहा होता हूँ, और फिर मैं फ्री टाइम में आपके शोज को मैं लूप पे देखता रहता हूँ। और मुझे सच बता रहा हूँ, मैंने और भी शोज देखे हैं। आपके साथ इतना मजा आता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ सैटरडे संडे में मेरे साथ मजा आता है। ये कैसे शब्द है भाई, आपके साथ में कंफ्यूज हो रहा हूँ, सॉरी। हाँ ठीक है, अरे मजाक कर रहा हूँ मैं तो नहीं, 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 राहुल मजाक के तो पैसे दे रहे। अरे राहुल जी आप बहुत स्वीट है यार, मतलब थैंक यू राहुल। एंड दिल से मतलब आप देख रहे हो, देखो मैं बता दूं, 7 साल हो गए कॉमेडी करते हुए, 4 साल जॉब के साथ और 3 साल जॉब के बिना, 3 साल बिना जॉब के। आई थिंक मोर देन जब स्टार्ट हुए थे तो कुछ किसी के साथ स्टार्ट नहीं हुए थे, और आज कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग जहां जहां से भी देख रहे हैं, डिफरेंट जगहों से देख रहे हैं, उम्मीद नहीं थी कभी भी, तो जहां तक पहुंचे हैं ठीक पहुंचे हैं। नहीं, बहुत बहुत अच्छा, मेरी स्वैप किट आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, तो रजिस्टर करें अपने आप को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।